एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रिव्यू वीडियो। यस, ये मेरा आज का रिव्यू वीडियो है और मैं शेयर करने वाली हूँ, ये है मेरा स्विस बिजी का पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। आज मैं इसका रिव्यू आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। वो इसलिए क्योंकि ये इतना अच्छा प्रोडक्ट, मैं अगर रिव्यू नहीं करूँ ना तो ये आपके साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी, ठीक है। जब मैं इसे परचेज़ की थी तो मैंने इसे आपके साथ शेयर किया था अपने अमेज़न हॉल में, आप देख सकते हो जाकर। मैंने उसका वीडियो बहुत पहले ही अपलोड कर दिया अपने यूट्यूब चैनल पे, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। उसके बाद बात आती है इसकी, ठीक है। ये है मेरा स्विस ब्यूटी का पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस। ये बहुत अच्छा इल्यूमिनेटर है, ये एज अ शाइनी ब्राइटी आप बोल सकते हो, और ये मेरा गोल्डन पिंक शेड है। इसका वर्क क्या है मैं आपको ये पहले बता देती हूँ। इसका वर्क है आपके मेकअप बेस को एकदम शाइनी करता है, एकदम चंकी ग्लिटर्स कुछ भी नहीं इसमें, एकदम ब्राइट कर देता है आपके मेकअप बेस को। किसी भी आप फाउंडेशन के साथ इसे अप्लाई करोगे ना तो ये अजीब सा एक डिफरेंट टाइप का एकदम आपका ग्लो करता है आपका फेस। रिसेंटली मैंने अभी इसे अप्लाई किया है, आप देख सकते हो कितना ज़्यादा शाइन है मेरे फेस पे, मेकअप पे। बहुत अच्छा इल्यूमिनेटर बेस है, आपके फेस को एकदम ब्राइट बनाएगा, एकदम शाइनी बनाएगा, ग्लोई बनाएगा, डिफरेंट टाइप। एंड हाँ, आपको इसके लिए, आपको इसको परचेस करने के लिए आपको अमेज़ॉन पे, मैंने इसे परचेस किया है तो आप अमेज़ॉन से कर सकते हो, कफैन लैसेस से कर सकते हो, मिंत्रा पे कर सकते हो, आई थिंक हर वेबसाइट पे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद सब बात करती हूँ इसकी। तो ये गोल्डन पिंक शेड है मेरा, 45 ग्राम का है और ये नेटवेट, हाँ 35 ग्राम का है, और मैंने इसे 190 रुपीज़ में परचेस किया है। एंड आई थिंक 180 या 190 में इसे परचेस कर मैंने किया है। और अगर कोई ऑफ़र आता है ना, बहुत सारे ऑफ़र आने वाले हैं अभी, बहुत सारे फेस्टिवल आने वाले हैं तो बहुत सारे ऑफ़र आते हैं, तो उस पर आपको और भी कम रेट में आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, सबसे प्लस पॉइंट इसकी ये ही, बहुत अफोर्डेबल है। और अगर आपकी HD क्वालिटी मेकअप लुक चाहते हो ना तो कुछ तो आपको परचेस करना होता है। बहुत ज़्यादा महंगा प्रोडक्ट मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप बहुत हाई ब्रांड्स में चले जाओ या फिर बहुत महंगे महंगे खरीद लो, ऐसा कुछ भी नहीं मैं बोलूँगी, क्योंकि मैं खुद भी बहुत महंगे चीज़ें नहीं खरीदती। बहुत ही अफोर्डेबल मेकअप चीज़ें मेरे पास होती है, जितने भी मेकअप प्रोडक्ट मैं रखती हूँ बहुत ही अफोर्डेबल होते हैं, और ये बहुत ही अफोर्डेबल है। सबसे प्लस पॉइंट इसका ये 190 ऑफ़र में आपको 160-180 में मिल जाएगा एकदम आराम से, ठीक है। तो दूसरी बात मैं आपको इसकी ये बताती हूँ, ये आपकी एज अ मेकअप बेस काम करता है। आप ऐसे मॉइस्चराइज़र के साथ नहीं लगाओ, आप इसे फाउंडेशन के साथ लगाओ, कंसीलर के साथ लगाओ। सबसे प्लस पॉइंट है कि आप इसे फाउंडेशन के साथ मिक्स करते हो ना तो इसका जो एक सटल एकदम बहुत अच्छा ग्लोई जो एक इफेक्ट आता है आपके फेस पे, यू कैन सी राइट नाउ ये कितना अच्छा ग्लो कर रहा है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा सबसे पहली बार, क्योंकि ये जब मैं इसे अप्लाई करती हूँ अपने मेकअप वीडियोस में तो आप देख सकते हो मेरे पहले के वीडियोस में जाकर, उसमें एकदम ग्लोई मेरा फेस लगता है। जिस वीडियो में मैंने इसे अप्लाई किया है ना, उसका जो लुक है वो एकदम डिफरेंट है। एंड इसे मैंने परचेस किया है 1.5 मंथ पहले। यस, मैंने उसके बाद बहुत सारी वीडियोस एकदम बैक टू बैक इसके साथ शूट की है, तो आप एक बार चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। सेकेंड चीज़, इसे अप्लाई कैसे करना है और इसका जो इफ़ेक्ट आता है आपके फेस पे वो कैसा आता है, वो सब वीडियो में आपको मैं दिखाने वाली हूँ। तो एकदम लास्ट तक देखना, अच्छे से देखना, एकदम बहुत ही अफोर्डेबल और बहुत ही चीप प्राइस में आपको ऐसा प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसे अप्लाई कैसे करना है, इसको आप कोई भी फाउंडेशन के साथ अप्लाई कर सकते हो। मैं इसे ब्लू हेवन के फाउंडेशन के साथ अप्लाई करती हूँ, मैं इसे लैक्मे 925 के साथ अप्लाई करती हूँ, और भी बहुत सारे मेरे पास है, ये लैक्मे का जो मेरा फाउंडेशन है मैं इसके साथ अप्लाई करती हूँ। उसके बाद मेरा हमेशा ज़्यादातर अपने वीडियोज़ में स्विस ब्यूटी का जो वाटर प्रूफ फाउंडेशन है मैं इसके साथ अप्लाई करती हूँ। ये हाई कवरेज, ये एक प्लस पॉइंट है, ये हाई कवरेज हो गया। सेकेंड ये हो गया मेकअप बेस, जो आपका बहुत अच्छा एक बेस कंप्लीट करता है, गोल्डन पिंक आपके फेस पे एक इल्यूमिनेटर का काम करता है, शाइनी ब्राइट करता है। तो मैं ये दोनों को मिक्स करती हूँ, उसके बाद अप्लाई करती हूँ, ठीक है। और इसे अप्लाई करना है कैसे वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाने वाली हूँ। जस्ट बस मैंने इसका एक छोटा सा रिव्यू आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी समझा, एकदम रिकमेंड कर रही हूँ कि आप इसे परचेस करो और अपने मेकअप बेस में एकदम ज़रूर से अप्लाई करो, ठीक है। तो इसे देख लेते हैं कि इसे अप्लाई कैसे करना है, उसके बाद आपका इफेक्ट कैसा आता है। अभी रिसेंटली मैंने जो अप्लाई किया है इसके साथ किया था, इस फाउंडेशन के साथ, तो इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्दी आपके मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, तो एक बार चेक ज़रूर करते रहना, ठीक है। तो चलिए इसे अप्लाई कैसे करना है और उसके बाद रिजल्ट कैसा आता है वो देख लेते हैं।
सबसे पहले मैं आपको इनसाइड प्रोडक्ट दिखा देती हूँ ये कैसा है। ये बिल्कुल येलो स्टोन में है, एकदम येलो है और इसमें शाइन दिखता है ग्लिट, क्योंकि इसमें बहुत ही शिमर पार्टिकल्स हैं जो आपको बिल्कुल दिखते नहीं हैं, बस शाइन करते हैं। ओके, मैं इसको थोड़ा सा अपने हाथों पे ब्लेंड करके आपको दिखाती हूँ एग्जैक्टली ये लगता कैसा है। ये बहुत ही लाइट वेट है, सबसे प्लस पॉइंट है बिल्कुल लाइट वेट है और सारे स्किन टोन पर आराम से चलेंगे। तो सबसे पहले मैंने 2 ड्रॉप्स मैंने स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन लिया है जो वाटरप्रूफ है और 2 ड्रॉप्स मैंने इल्यूमिनेटर बेस मेकअप बेस लिया है। ठीक है, मेकअप बेस आप तभी करो जब अपना प्राइमर अप्लाई कर लिए हो, मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर चुके हो, उसके बाद ही आप ये इल्यूमिनेटर मेकअप बेस यूज़ करो। ठीक है, फाउंडेशन के साथ, अगर फाउंडेशन के साथ आप यूज़ नहीं करना चाहते हो ना, तो जब आप फाउंडेशन अप्लाई कर लेते हो तो बस 2 ड्रॉप्स ले लो अपने फिंगर टिप्स पे, अच्छे से वार्म अप कर लो, उसके बाद अपने हाईलाइट जहाँ जहाँ पर अप्लाई करते हो वहाँ पर अच्छे से अप्लाई कर लो। ठीक है, मैंने क्या किया, दोनों को अच्छे से मिक्स किया है, उसके बाद डॉट्स पूरे फेस पे किया मैंने, उसके बाद अपने हाथों से पहले ब्लेंड कर रही हूँ, उसके बाद मैं इसे स्पॉन्ज से अच्छे से ब्लेंड करूंगी और फाइनली उसके बाद आपको मेरा जो टेक्सचर है वो आपको दिखेगा। सारे स्किन टाइप वाले बहुत ही आराम से यूज़ कर सकते हैं, ऑयली, कॉम्बिनेशन, ड्राई, या फिर जिनकी बहुत ज़्यादा मिक्स कॉम्बिनेशन होती है ना, वो उस तरह टाइप के स्किन पे भी ये बहुत आराम से चल जाएगा। ठीक है, तो ये देखो मेरा शाइन अभी फेस पे आ गया, इसके बाद मैं पूरा मेकअप करूँगी तो आपका एग्जैक्टली मेरा मेकअप लुक आपको दिखेगा कि कितना शाइन कर रहा है मेरा फेस। तो इसके बाद मैं कंटूर करूँगी, कंसीलर लगाऊँगी, जो भी मुझे करना है वो करूँगी। ठीक है, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो एकदम आपके लिए बहुत ही अच्छे हैं और अफोर्डेबल है। सबसे प्लस पॉइंट है ये बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, 200 के अंडर अगर आपको HD क्वालिटी मेकअप बेस मिलता है तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता इससे भी अपर आपको ब्रांड लेने की ज़रूरत है। महंगे से एकदम आँख बंद करके ले सकते हो, क्योंकि मैंने इसे, जब मैं इसे परचेस की थी तो मैं इसके बारे में कुछ भी खास नहीं जानती थी, बस मैंने इसे परचेस कर लिया था क्योंकि ये इस पर ही लिखा हुआ था, मेंशन था एल्यूमिनेटर मेकअप बेस पर्ल का, तो पर्ल एलिमिनेटर बेस देख के ही मैंने इसे परचेस किया था। मुझे लगा था ये बहुत अच्छा होगा एंड आई कांट एक्सप्लेन कि ये कितना अच्छा है, और मैंने जो ख़रीदा उससे कोई भी मुझे रिग्रेट फील नहीं हुआ। और हाँ, सबसे पहले एक मैं बात आपसे और बता दूँ, ये आप अपने फेस पे डायरेक्ट मत लगाना, आप इसे एज अ फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगाते हो तो इसका एकदम अच्छा रिजल्ट आएगा। और अगर आप इसे अलग से भी लगाना चाहते हो तो बस इसे अपने फिंगर पे लो और यहाँ यहाँ पे मतलब अपने पूरे फेस पे अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा आपका यहाँ पे बेस जब शाइन करता है तो ज़्यादा दिखता है, आपके नोज़ पे दिखता है, आपके चिकबोन पे दिखता है, फॉरहेड पे, क्यूपिड्स पे एंड चिन पे दिखता है। तो आप इसे बस 2 ड्रॉप लो अपने फिंगर पे, इस तरह से कर लो, ऐसे ऐसे करके अप्लाई कर लोगे तो वो भी आपका बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसे फाउंडेशन के साथ मिक्स करके लगाओगे तो ये अच्छा नहीं, बहुत अच्छा रिजल्ट इसका आएगा। मैंने देखा कितना अच्छा रिजल्ट आता है, मैंने अभी जस्ट वही अप्लाई किया हुआ है, एकदम HD क्वालिटी का मेकअप लुक आपको दिख रहा होगा। और ये स्विस ब्यूटी का जो बेस एलिमिनेटर है ना, मेरे फैमिली में बहुत लोगों ने परचेस कर लिया, क्योंकि मैं इसे सबको रिकमेंड कर दी तो सबसे पहले अपने फैमिली को कर दी कि हाँ इसे ख़रीद लो, ये बहुत अच्छा एलिमिनेटर बेस मेकअप है। ये मैंने आपको रिव्यू इसका शेयर कर दिया और डिटेल्स में सारी चीज़ बता दी, अप्लाई करके भी आपको रिजल्ट दिखा दिया। आई होप आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप इसे अप्लाई करोगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ मत सोचो, फटाफट से इसको बाय कर लो, अमेज़ॉन पे जाओ, इसका सर्च कर लो, स्विस ब्यूटी पर्ल इल्यूमिनेटर मेकअप बेस सर्च करो, आपको ये आ जाएगा 191 ऑफर में, आपको 170, 160 या 180 में एकदम आराम से मिल जाएगा। तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने इसे आई थिंक 180 या 165 ऐसे कुछ ख़रीदा था, मुझे एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। मुझे इसे ख़रीदे 1 एंड हाफ मंथ हो गए, यानी 1.5 महीना हो चुका है, तो मुझे एकदम याद नहीं है। मैंने कॉपी में ऐसे मेंशन कर लिया था कि कौन से प्रोडक्ट को मैंने कितने पर में परचेस किया, क्योंकि जब आपका ऑफ़र आता है तो बहुत रेट कम जाते हैं और ऑफ़र ख़त्म होता है तो फिर बढ़ जाते हैं। तो एक बार इसे आप ज़रूर परचेस कीजिए। और हाँ, इसका रिव्यू मैंने शेयर किया, अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद आता है एक बेल, उसको भी हिट करना है ताकि मैं फ्यूचर में जितनी भी वीडियोस डालूँ ना, आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल सके कि मैंने वीडियो अपलोड कर दी है और आप बड़े ही आराम से उसे देख सकते हो।
तो जिन लोगों ने अभी तक से नहीं किया है ना, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब का बटन रेड होता है और बिल्कुल फ्री होता है और कोई भी आपको पैसा खर्च नहीं होगा, तो बिना कुछ सोचे समझे एकदम सब्सक्राइब कर देना। उसके बाद वीडियो अच्छी लगे और हेल्पफुल हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, ठीक है। तो अगर ये मेकअप लुक मैंने कैसे क्रिएट किया है ये, इसका वीडियो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा और उसके बाद ये रिव्यू वीडियो मिलेगा आपको। तो मुझे ज़रूर बताइएगा आपको ये मेरा मेकअप लुक कैसा लगा और हाँ ये मेरा रिव्यू आपको कैसा लगा, ठीक है। डिटेल्स में मैंने बिल्कुल शेयर किया है, बहुत ही अच्छे से शेयर किया है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, आप अंडरस्टैंड कर चुके होंगे। तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल होता है ना तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर डिमांड है और कुछ भी आपका सजेशन है या किसी चीज़ का रिव्यू चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं उसे ज़रूर ज़रूर फॉलो करूँगी अपने ऊपर, ठीक है। कल मिलती हूँ अच्छी से वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और हाँ कमेंट ज़रूर करना गाइस, क्योंकि मुझे पता नहीं चलता कि आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लग रही है या नहीं, कमेंट के थ्रू ही मुझे पता चल पाएगा कि आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है या नहीं, ठीक है। कल मिलती है एक वीडियो के साथ, अच्छी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू।